उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल 18 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां। गैरसैंण में सीएम ने पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ की चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान, कहा सदन के बाहर और भीतर उठा रहे जनहित के मुद्दे, 14 मार्च से करेंगे जन आक्रोश रैली। धर्मनगरी नानकमत्ता पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया 2022 चुनाव में जीत का मंत्र। उत्तराखंड की विकास नगर तहसील में सिंचाई की समस्या, गांव टुमैच के लोगों ने लिया फैसला, समाधान नहीं होने पर चुनाव का करेंगे बहिष्कार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर के तैयारियों में जुटे हैं। त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसे लेकर सीएम ने गैरसैंण में पार्टी के समस्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और इस दौरान 18 मार्च को आयोजित होने वाले सरकार के 4 साल बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोविड-19 का टीका लगवाया है। रावत ने आरोग्य धाम हॉस्पिटल में जाकर के टीका लगवाया और टीकाकरण के बाद पूर्व सीएम ने यह कहा कि मैं चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा के लिए ये टीका बनाया गया है और पूर्व सीएम ने सभी लोगों से अपील भी की है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो ये भारत की शक्ति की प्रतीक बन गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के जो भी वैज्ञानिक मानवता की सेवा के काम में लगे थे, वो हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद के पास हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि ये आरोग्य आश्रम और डॉक्टर खंडवाल दोनों बहुत उत्साहपूर्वक इस काम को संपादित कर रहे हैं। देहरादून में भी ये काम बहुत जोश से चल रहा है। मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी बारी से सब लोग। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता की और विधानसभा के बजट सत्र समेत प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के बारे में जानकारी भी दी। सदन को चलने दिया और अपनी बात सदन के अंदर भी रखी और सदन के बाहर के तमाम विषय को उठाने का प्रयास हमने किया। महंगाई को भी जो है सदन के अंदर उठाने का काम किया हमने। जो है आज नौजवान साथी रोजगार की बात कर रहा है या किसानों की बात हो या दीदी आपदा प्रबंधन हो या अर्थव्यवस्था हो, विकास और वृद्धि है, बहुत सारे मुद्दे थे जिन तमाम मुद्दों को जो है हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया। आप देख लीजिए नंद प्रयाग घाट के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है विधानसभा के बाहर आकर के अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका लाठीचार्ज हुआ, उसको हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया। हमने तमाम विषय को जो है सबने देखा भी होगा कि सरकार व्यक्त प्रश्न प्रहर में भी मंत्री होमवर्क करके नहीं आए, वो लगातार गिरते रहे। कार्य स्थगन के माध्यम से भी हमने सरकार पर लगातार जो है वार किया, सरकार उसे असहज थी। आपने देखा होगा कि कल जब हम भ्रष्टाचार को लेकर के सदन में गए, भ्रष्टाचार पर जो है सरकार चर्चा कराने से जो है घबरा रही थी, कदम पीछे खींचने का काम किया। तो ऐसा नहीं हर विषय में सरकार ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो अंतर्विरोध भाजपा में दिखाई दे रहा है वो उसी की तो परिणति है कि सरकार हर मोर्चे पर निर्भर है। समझता हूँ उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चलित चेहरे को देख रहे हैं और कोई इंतजार करें मिला नहीं। कांग्रेस की आगामी रणनीति सर क्या होने जा रही है? चाहे हम सदन के अंदर हो सदन के बाहर, जो जन उनके मुद्दे हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर
यानी सदन में भी है, सदन के बाहर भी आम जनता की जानकारी। हम लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार करते हैं। हमारे तमाम साथी जो ब्लॉक स्तर पर जाकर के, दोनों स्तर पर जाकर के कांग्रेस में काम कर रहे हैं, और आगामी भविष्य में जो है हम जो है जन आक्रोश रैली के माध्यम से 14 मार्च को जो है श्रीनगर से आगाज करें, 25 को हम यानी में उसके बाद उत्तरकाशी में जाएंगे, उसके बाद कुछ अन्य जगह जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट नानकमत्ता पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत उनका किया। और धर्मनगरी नानकमत्ता पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाकर के उन्होंने माथा टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सरोपा भेंट किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के चुनावों की चर्चा की गई और सुरेश भट्ट ने यह कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 60 पार। इस नारे को चरितार्थ करते हुए फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव के लिए कमर कस लें। प्रेस वार्ता में सुरेश भट्ट से जब प्रश्न किया गया कि प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रहे अब की बार भट्ट की सरकार पर, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और हम सभी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है अपनी प्रदेश सरकार को मजबूत करना। इतना ही, मैं आज वैसे तो नानकमत्ता पहले भी आना हुआ लेकिन बहुत लंबे समय बाद, आज मैं काफ़ी समय बाद क्योंकि कनकपुर और खटीमा के दौरे पर था, आज मैं नानकमत्ता भी आया हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य मिला, यहाँ आकर के मैंने मत्था टेका है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो चुनाव होना है की तैयारी के काम में लगी है, और जिस प्रकार से कार्यकर्ता और पूरा संगठन और पार्टी काम पर लगी है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में फिर से हम उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की विकास नगर तहसील क्षेत्र की सालों पुरानी सिंचाई की समस्या को लेकर के डुमेट गांव में बैठक की गई। और बैठक में डुमेट गांव के लोगों ने यह फैसला लिया कि अगर इस बार समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सालों से उन्हें सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, सरकारें पहले भी आई, सबके सामने गुहार लगाई गई लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बिना पानी के फसल नष्ट हो रही है जिससे लाखों रुपये की आर्थिक हानि हो रही है। समस्या के लेकर बैठक की है पंचायत में, इस ग्राम डुमेट में कम से कम काश्त हमारे जो भूमि 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि यहाँ पे, लेकिन पानी की सुविधा, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। और हम लोग कम से कम 20-25 साल से इस समस्या के लिए जूझ रहे हैं। जो भी सरकार आई हमने सबके पास मांग करी, लिखित में करी, मौखिक में करी, सभी ग्रामीण गए लेकिन कोई किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। इस बार हमने निर्णय लिया है पूर्ण गांव ने कि अगर इस बार ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम पूर्ण रूप से बोर्ड का बहिष्कार करेंगे, कोई बोर्ड नहीं डालेंगे इस बार, ये हमने सर्वसम्मति निर्णय ले लिया है। हमारे ये पहले पानी की समस्या है हमारे ट्यूबवेल में, हम कई साल से अगर ट्यूबवेल के बारे में मतलब प्रयास कर रहे हैं, हमारा ट्यूबवेल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ग्राम डुमेट के बजाय जो है कई चीलियों लग जाती है। और जब हम जाते हैं अधिकारी के पास वो कहते हैं कि आपके डुमेट के नाम से जो है लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट लगी हुई है तो डुमेट के नाम से अधिकारी या चाहे कोई भी शासन प्रशासन ये दिखा दें कि डुमेट पे किस जगह पे लिफ्ट लगी हुई है। हम ये चाहते हैं अब डुमेट के नाम से डुमेट के कई चीलियों जा रही है या बाड़ोले जा रही है तो हमारे गाँव में क्यों नहीं लग रही है? सर हमारी फसल सारी सूख रही है, अभी आप देखो गेहूँ देखो, टमाटर देखो हमारा, और हमारी फसलें सारी बर्बाद है, किसान बर्बाद है, आपस में डंडे के जोर से नरू का पानी है, डंडे के जोर से लाना पड़ता है। अब अभी थोड़ी लिफ्ट है चिलियों में, उसका पानी जब आता है तो डंडे के जोर से लाना पड़ता है। सर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ लिफ्ट लगनी चाहिए, अगर हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं लगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।